छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद श्रृंखला का एक उपनिषद है। सामवेद के पांच भाग हैं। नंबर एक, प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीत, उपद्रव और अंतिम है निधन। इन पांचों में से यहाँ उद्गीत नामक भाग की उपासना की गई है। सकल दुखों से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है और वह है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का साधन है मन को वश में करना। और उपासना से मन की वृत्ति एकाग्र होकर मनोजय होती है। इस कारण उपासना के उपदेश का आरंभ करते हुए प्रथम ब्रह्मवाचक ओंकार की ही उपासना की जाती है। ओम अक्षर उद्गीत नामक साम का अवयव है, इसकी उपासना करनी चाहिए। यह परमात्मा का प्रतीक अर्थात प्रतिमूर्ति विशेष है। इस ओंकार की उपासना से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ओंकार का उच्चारण बिना किए जो कर्म किया जाता है वह कर्म निष्फल होता है। इस कारण सब कर्मों के आरंभ में ही ओंकार का उच्चारण किया जाता है। ओंकार से आरंभ करके ही मंत्र आदि का उच्चारण किया जाता है। इसी से ओंकार को उद्गीत कहा जाता है। ओंकार की विभूति और गुणों का वर्णन ही इसकी उपासना है। चर अचर सकल प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण पृथ्वी स्थावर जंगम रूप सकल जगत का सार है। जल पृथ्वी का सार है क्योंकि पृथ्वी जल में ही ओतप्रोत है। जल का सार सकल औषधि है क्योंकि जल से ही सकल औषधियों का परिणाम देखने में आता है। पुरुष सकल औषधि का सार है क्योंकि औषधि का परिणाम ही जीव का शरीर है। पुरुष का सार वाणी है क्योंकि वाक इंद्रियां ही पुरुष की सब इंद्रियों में प्रधान होती हैं। वाणी का सार ऋचा है, ऋचाओं का सार साम है और साम का सार उद्गीत है। इसलिए यह उद्गीत नामक ओंकार सार का सार और सबसे श्रेष्ठ है। परमात्म स्थान के योग्य और पृथ्वी आदि सार वस्तुओं में अंत का आठवां परम सार है। इसके अनंतर ऋक् क्या है, साम क्या है और उद्गीत क्या है, इन तीन प्रश्नों का विचार किया जाता है। कारण और कार्य का भेद होने के कारण वाक ही ऋक् है और प्राण ही साम है और ओम अक्षर ही उद्गीत है। ऋक् और साम इस मिथुन का कारण भूत वाक और प्राण यह दो का ही है। यह मिथुन रूप हुए वाक और प्राण ओम अक्षर में मिले हुए हैं। यह वाक और प्राण रूप मिथुन जब परस्पर मिलते हैं तब एक दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार उनसे संयुक्त ओंकार सफल कामना की प्राप्ति रूप गुण से ही पुष्ट होता है। जो ऐसा जानकर इस उद्गीत अक्षर की उपासना करते हैं वह सभी मनोरथों को पूर्ण कर पाते हैं। इस ओंकार को अनुमति देने का अक्षर कहते हैं। लोक में भी इस अक्षर का उच्चारण करके सब विषयों में अनुमति देते हैं। ओम का ही अपभ्रंश हाँ है। समृद्धि के कारण भूत अनुज्ञा अनुमति ही समृद्धि है। इस कारण समृद्धि गुण वाला मानकर ओंकार का कीर्तन किया जाता है। जो ऐसा जानकर इस ओंकार की उपासना करते हैं वह सभी कामनाओं को प्राप्त करते हैं। ओम अक्षर का उच्चारण करके सफल वेद विहित कर्मों का आरंभ किया जाता है। ओम का उच्चारण करके यज्ञ आदि कर्म सफल होते हैं। यह सब कर्म परमात्मा की पूजा के लिए किए जाते हैं। ओंकार परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, इसलिए इन सब कर्मों के द्वारा ओंकार की ही पूजा सिद्ध होती है और इस ओंकार की महिमा तथा रस के द्वारा ही यज्ञ सिद्ध होते हैं। यज्ञ सिद्धि के मूल रूप ऋत्विज और यजमान आदि के सकल प्राण ओंकार की ही महिमा है और उनके मूलभूत ओंकार ही है, क्योंकि ओंकार का उच्चारण करके किए हुए योग हवन आदि के द्वारा आत्म तत्व की उपासना होने से वृष्टि आदि के क्रम से प्राण और अन्न की उत्पत्ति होती है। जो ओंकार के ऐसे तत्व को जानते हैं और जो उसको नहीं जानते वह सभी ओंकार के द्वारा अनुष्ठान करते हैं।
कर्मानुष्ठान के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती, कर्म अनुष्ठान करने से ही उसका फल मिलता है। सकल सात्विक इंद्रियों और उनकी सकल वृत्तियों के अधिष्ठाती देवता और इनके विपरीत अर्थात तमोरूप इंद्रिय प्रवृत्ति के परिचालक असुर दोनों ही वैदिक क्रिया के अधिकारी कश्यप प्रजापति के पुत्र हैं। इस लोक में जैसे भाई भाई परस्पर विरोध कर पाते हैं, वैसे ही देवता और असुर भी परस्पर विरोध करते थे। वह परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करने के लिए सदा संग्राम में तत्पर थे। एक समय देवताओं ने अपनी प्रतिपक्षी असुरों का पराजय करने की इच्छा से ओंकार का उच्चारण करके ज्योतिषोम आदि कर्म का अनुष्ठान किया। उन्होंने मन में विचार किया कि हम इस कर्म से ही असुरों का तिरस्कार करेंगे। उद्गीत से उपलक्षित यज्ञ कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर देवताओं ने पहले घ्राण इंद्रियों को ही अपनी मनोरथ सिद्धि के अनुकूल समझकर उसके साथ एकत्व की दृष्टि से उद्गीत नामक प्रण का आश्रय करके इस इंद्रिय की कल्याणकारी सफल वृत्ति का प्रकाशन करने की चेष्टा की। यह देख असुरों ने मत्सरता में भरकर अपने स्वभाव सिद्ध अधर्म स्वरूप पाप से घ्राणेन्द्रियों को सिद्ध करके उसमें गंध को ग्रहण करके अभिमान रूप दोष को उत्पन्न कर दिया। अतएव तब से घ्राणेन्द्रियों ने उस पाप से सिद्ध होकर सुगंधी की समान दुर्गंधी को भी ग्रहण करना आरंभ कर दिया। इसके बाद देवताओं ने वाक इंद्रिय के साथ एक के दृष्टि से उद्गीत नामक प्राण की आश्रय लेकर इंद्रिय का कल्याणकारी सकल वृत्तियों को प्रकाशित करने की चेष्टा की। असुरों ने उस वाक इंद्रिय को पाप से सिद्ध करके उसमें भी दोष उत्पन्न कर दिए। अतएव तब से वाक इंद्रियों ने उस पाप से सिद्ध होकर सत्य के समान मिथ्या को भी ग्रहण करना आरंभ कर दिया। इसके बाद देवताओं ने नेत्र इंद्रियों के साथ एकत दृष्टि से प्राण का आश्रय करके उस इंद्रिय के कल्याण कारणी सफल वृत्तियों को प्रकाशित करने की चेष्टा की। असुरों ने इस चक्षु इंद्रिय को भी पाप से सिद्ध करके इसमें दोषों को उत्पन्न कर दिया और तब से चक्षु उस पाप से संयुक्त होकर देखने योग्य पदार्थ के समान ना देखने योग्य विषय को भी ग्रहण करने लगा। इसके बाद देवताओं ने श्रवण इंद्रिय के साथ एकत दृष्टि से प्रणव का आश्रय करके उस इंद्रिय के कल्याणकारी सकल वृत्ति को प्रकाशित करने की चेष्टा की। तब असुरों ने ठीक इसके विपरीत श्रवण इंद्रिय को भी पाप से सिद्ध किया। अतएव तब से अश्रवणी इंद्रिय उस पाप से सिद्ध होकर सुनने योग्य विषय की समान ना सुनने योग्य विषय को भी सुनने लगा। इसके बाद देवताओं ने मन के साथ एक तत्व दृष्टि करके प्रणव के आश्रय से उस इंद्रिय की कल्पना कारणी सकल वृत्तियों को प्रकाशित करने की चेष्टा की। असुरों ने इसके ठीक विपरीत पाप से सिद्ध करके इसमें दोष उत्पन्न करके तब से मन इस प्रकार पाप से सिद्ध होकर संकल्प करने योग्य विषय के समान संकल्प करने योग्य विषय की आलोचना करने लगा। अंत में देवताओं में इंद्रिय समूह रूप सकल गौण प्राणों को त्याग कर इंद्रिय समूह रूप और वायु विकार प्राण जिसकी जड़ शक्ति है और क्रिया शक्ति रूप प्राण जिसकी चित शक्ति है उस परमात्मा नामक मुख्य प्रणव का प्रतिरूप मानकर उद्गीत नामक प्रणव का आश्रय लिया। असुरों ने इस मुख्य प्राण को भी पाप से संयुक्त करने के लिए इच्छा की, किंतु उसको पाप से संयुक्त करने में असमर्थ होकर जैसे न खुद कर सकने वाले कठिन पत्थर को खोदने में उद्यत काठ अपने आप ही नष्ट हो जाता है, तैसे ही इच्छा मात्र से अपने आप ही नष्ट हो गए। मुख्य प्राण को जो ऐसे गुण वाला जानता है उसमें पाप संयोग करने के लिए जो विलासा करता है वह खनन के अयोग्य पत्थर की रगड़ से नष्ट हुए काष्ठ आदि की समान स्वयं ही नष्ट हो जाता है और जो उस प्राण के ज्ञाता की हिंसा करता है वह भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि प्राणज्ञ और खनन के अयोग्य पत्थर दोनों एक समान हैं। यह मुख्य प्राण पाप के स्पर्श से रहित है, अतएव विशुद्ध है। विशुद्ध मुख्य प्राण के द्वारा सुगंधी व दुर्गंधी कुछ नहीं जानी जाती। विशुद्ध मुख्य प्राण सुगंधी और दुर्गंधी को सूंघने वाले घ्राण इंद्रिय का प्रेरक होकर भी उसके दोष से लिप्त नहीं होता। वह अन्य प्राणों की समान आत्मभरी नहीं होता, किंतु विश्वम्भर है। वह भोजन पान आदि के द्वारा सब इंद्रियों का पोषण करता है।
भोजन पान आदि मुख्य प्राण की वृत्ति हैं। यदि मुख्य प्राण भोजन पान आदि ना करे तो प्राणी का अंतकाल हो जाता है। उस समय मुख्य प्राण वृत्ति के भोजन पान आदि ना पाने से ही अन्य सकल इंद्रियां शरीर को छोड़ देती हैं। प्राण को शरीर त्याग से पहले भोजन की इच्छा देखी जाती है, इस कारण उस समय प्राणी का मुख फैल जाना प्रसिद्ध है। अंगिरा आदि ऋषियों ने इस प्रकार मुख्य प्राण के साथ अवेद बुद्धि से ओंकार की उपासना की, इसी से उनके नाम से मुख्य प्राण का मंत्र सुना जाता है। श्रुतिम मुख्य प्राण का एक नाम अंगिरस भी कहा जाता है, इसलिए अंगरस शब्द का अर्थ प्राण है। इसी प्रकार बृहस्पति ने मुख्य प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना की थी, उसी के अनुसार मुख्य प्राण को भी बृहस्पति शब्द से कहा है। वाक की बृहति है और प्राण उसका पति है। इसी प्रकार अयास्य ऋषि ने मुख्य प्राण दृष्टि से प्रणव की उपासना की, उसके ही अनुसार मुख्य प्राण को भी अयास्य शब्द से जाना जाता है। आस्य अर्थात मुख से निकलना है, इस कारण ही मुख्य प्राण को अयास्य कहते हैं। इसी प्रकार दल्भ के पुत्र बक ने प्रणव को प्राण रूप से जाना था, इस कारण वह नेसी वारणावासी यज्ञकर्ताओं का उद्गाता हुआ और उसने उनकी मनोरथ सिद्धि के लिए उद्गान नामक कर्म को किया। जो इस प्रकार जानकर इस ओंकार अक्षर की उपासना करते हैं वह उद्गान के द्वारा मनोरथों को पूर्ण कर पाते हैं। यह अध्यात्म अर्थात आत्मविषयक ओंकार की उपासना ही है। अब अधिदेव दृष्टि में प्रणव की उपासना कहते हैं, यह जो आदित्य पृथ्वी को नाप देता है यह ही उद्गीत है। आदि दृष्टि से उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यह आदित्य उद्गीत होकर सब प्रजाओं को अन्न प्राप्ति के लिए उद्गान कर्म को संपन्न करता है। यदि आदित्य का उदय ना हो तो सस्य आदि ना पके, इसी कारण उनका उदय उद्गीत के समान है। आदित्य उदित होकर प्रजाओं के भय और अंधकार को दूर करता है। जो ऐसे गुणों वाले आदित्य को जानता है वह सबके अंधकार और भय का नाश करता है। यह आदित्य और यह प्राण दोनों गुण में समान ही है। ताप देता है, इस कारण प्राण को स्वर कहते हैं, और ताप देता है इस कारण ही आदित्य को त्यास्वर कहते हैं। अतः प्राण दृष्टि से आदित्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करें, तदनंतर व्यान दृष्टि से प्रणव की उपासना करें। जीव मुख और नासिका के द्वारा जिस वायु को छोड़ता है उसका नाम प्राण, और जिस वायु को ग्रहण करता है उसका नाम अपान है, तथा जिसमें प्राण और अपान का मेल होता है उसको व्यान कहते हैं, और जिसको व्यान कहते हैं उसी को वाक कहते हैं। अतएव सब लोग प्राण और अपान का व्यापार ना करके ही वाक्य का उच्चारण करते हैं। जो वाक है वही ऋचा है, इसलिए सब लोग प्राण व्यापार और अपान व्यापार ना करके ही ऋचा का उच्चारण करते हैं। जो ऋचा है वह ही साम है, इसलिए सब लोग प्राण और अपान का व्यापार ना करके ही साम का गान करते हैं। जो साम है वह ही उद्गीत है, इसलिए सब लोग प्राण और अपान का व्यापार ना करके ऊंचे स्वर से गान करते हैं। इसलिए और जो सब अधिक परिश्रम साध्य कार्य है, जैसे अग्नि को मथना, सीमा को लांघना और दृढ़ धनुष को खींचना आदि, इनको सब लोग प्राण व्यापार और अपान व्यापार को ना करके ही करते हैं। अतः व्यान दृष्टि में ही प्राण की उपासना करें। इसके बाद उद्गीत के साथ सब अक्षरों को उद्गीत दृष्टि से उपासना करें। प्राण उत है क्योंकि पुरुष प्राण के द्वारा उठता है। वाक ही गीत है क्योंकि वाणी को सब ही गी शब्द में बोला जाता है, और अन ही था है क्योंकि अन में ही है सब विश्व स्थित है। स्वर्ग ही उत है, अंतरिक्ष गी और पृथ्वी था है। सामवेद ही उत, यजुर्वेद गी और ऋग्वेद था है। इस प्रकार जानकर इस सब उद्गीत के अक्षर का प्रणव दृष्टि से उपासना करता है। वाणी उस साधक के लिए ऋग्वेद आदि शब्द साध्य फल को देती है, वह अन्नवान और अन्नभोक्ता भी होता है। अब फल संपत्ति कहते हैं कि ध्यान करने योग्य समझकर
उद्गीत की उपासना करें। पहले जिस साम से स्तुति करनी होगी उद्गीत उस साम का ही ध्यान करे। इसके बाद वह साम जिस ऋचा के अंतर्गत हो उस ऋचा को उस साम का जो ऋषि हो उस ऋषि को और जिस देवता की स्तुति करती हो उस देवता का चिंतन करे। गायत्री आदि जिस छंद से स्तुति करना हो उस छंद का ध्यान करें और जिस स्तोम के द्वारा स्तव करना हो उस स्तोम का ध्यान करें। जिस दिशा की स्तुति करनी हो उस दिशा का ध्यान करें। अंतम अपने को चिंतवत करके अपेक्षित फल का स्मरण करें और अनुसंधान करते सावधानी से स्तुति करें। यह उद्गाता जिस कर्म में जिस फल की कामना करके स्तुति करे उस कर्म में शीघ्र उस फल को पाएगा। ओम अक्षर की उद्गीत दृष्टि से उपासना करें। ओंकार का उच्चारण करके विभूति वर्णन की ही उपासना करें। देवताओं ने मृत्यु से भयभीत होकर तीनों वेदों में कहे हुए कर्मों का आरंभ किया। उन्होंने छंद अर्थात कर्म में विनियोग रहित मंत्रों के द्वारा अपने को उच्छादित किया। उन्होंने ऐसा किया इस कारण ही सब मंत्रों का छंद नाम हुआ। जैसे संसार में मच्छी मारने वाला जल में मच्छियों को मारने योग्य देखता है वैसे ही मृत्यु ने रक्त गजु और साम वेद से विधान किए हुए कर्म में इन कर्म परायण देवताओं को बग के योग्य देखा। उस समय देवताओं ने मृत्यु के अभिप्राय को जानकर उस रिक साम और यजु के कर्म को छोड़कर स्वर नामक अक्षर की उपासना की। जब रिक का आश्रय करता है तब ओंकार का उच्चारण करता है। ऐसे ही साम का और यजु का आश्रय करके भी ओंकार का उच्चारण करता है क्योंकि यह ओंकार स्वर नामक अक्षर ही अमृत है अभय है। इस कारण देवता इस ओंकार अक्षर की उपासना करके अमर और अभय हो जाते हैं। जो इस ओंकार नामक अक्षर को इस प्रकार अमृत और अभय गुणशाली जानकर प्रणाम करता है और इस अक्षर को ही अमृत और अभय जानकर आश्रय करता है जैसे इसके आश्रय से देवता और अमृत और अभय हुए थे वैसे ही अमृत और अभय होता है। जो उद्गीत है वह प्रणव है। जो प्रणव है वह उद्गीत है। यह आदित्य ही उद्गीत है और प्रणव है क्योंकि ओम इस अक्षर का उच्चारण करते करते ही गमन करता है। कुसीतक के पुत्र कौशितक ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने इस आदित्य की इसी बुद्धि से उपासना की थी तब तुम मेरे एकमात्र पुत्र हुए थे अतः तुम बहुत पुत्र पाने के लिए इस आदित्य की सकल पिंडों की उपासना करो और आदित्य और ओंकार को बहुत युक्त समझ कर उपासना करो तब तुम्हारे अनेक पुत्र होंगे। यह अधिदेववत ने कहा। अब अभ्यास करते हैं। यह जो मुख्य प्राण है इसकी दृष्टि से उद्गीत की उपासना करें क्योंकि मुख्य प्राण ओंकार का उच्चारण करते करते ही गमन करता है। कौशिकी ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने इसकी ही उपासना की थी उस उपासना से ही तुझ एकमात्र पुत्र को पाया है। तू बहुत पुत्रों की कामना करके बहुतत्व विधि से इसकी उपासना कर। जो उद्गीत है वह प्रणव है और जो प्रणव है वह उद्गीत है। यह पृथ्वी ऋक है अग्नि साम है। यह अग्नि पृथ्वी में ऋचा में साम के समान स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी नामक ऋक में स्थित अग्नि नामक साम का गान किया जाता है। यह पृथ्वी साम है और अग्नि अम है अतः पृथ्वी और अग्नि दोनों मिलकर साम बन जाते हैं। यह अंतरिक्ष ऋक है वायु साम है। यह वायु अंतरिक्ष में ऋक में साम के समान स्थित है। इस कारण ही अंतरिक्ष नामक ऋक में स्थित वायु नामक साम का गान किया जाता है। यह अंतरिक्ष सा है और वायु अम है अतः अंतरिक्ष और वायु दोनों मिलकर साम बन जाते हैं। स्वर्ग ऋक है आदित्य साम है। यह आदित्य स्वर्ग में ऋक में साम के समान स्थित है। इस कारण ही स्वर्ग नामक ऋक में स्थित आदित्य नामक साम गाया जाता है। स्वर्ग सा है आदित्य अम है इस कारण स्वर्ग और आदित्य दोनों मिलकर साम बन जाते हैं। सब नक्षत्र ही ऋक है चंद्रमा साम है। यह चंद्रमा नक्षत्र समूह में ऋक में साम के समान स्थित रहता है। इस कारण ही नक्षत्र नामक ऋक में
स्थित चंद्रमा नामक साम का गान किया जाता है। यह नक्षत्र समूह ही है। चंद्रमा अम है, अतः सकल नक्षत्र और चंद्रमा दोनों को मिलकर साम बन जाते हैं। यह जो आदित्य की शुक्ल दीप्ति है वही साम है, और जो इसकी अति नीली आभा है वह ही अम है। दोनों मिलकर ही साम है। उसके पुंडरीक की समान तेजस्वी दोनों नेत्र वानर की पीठ के अधोभाग के समान लाल हैं। उनका उत यह नाम है क्योंकि वह सब पापों से उठे हुए हैं। जो ऐसा जानता है वह भी सकल पापों से अलग रहता है। भिक्त और साम उसकी उंगलियों के दो पोर हुए वह गायक हैं। इस कारण ही उनको उद्गीत कहते हैं, और इस कारण ही जो इनका गान करते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। यही उत नामक देवता इस आदित्य के ऊपर के जो लोग हैं उन पर प्रभुता करते हैं, और वही देवताओं की सफल कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह अधिद्वैत कहा गया है। अब अध्यात्म कहते हैं कि वाणी ही ऋक है, प्राण ही साम है। प्राण नामक साम वाणी नामक ऋकम स्थित है, अतः ऋक में स्थित साम का गान किया जाता है। वाक सा है, प्राण म है, वाणी प्राण दोनों मिलकर साम बन जाते हैं। चक्षु ही सा है, छायात्म अम है, अतः चक्षु और छायात्म दोनों मिलकर साम है। श्रोत्र ही ऋक है, मन साम है, मनोरूप साम श्रोत रूप ऋक में स्थित है, अतः ऋक में स्थित साम का गान किया जाता है। श्रोत्र ही सा है, मन अम है, अतः श्रोत और मन दोनों मिलकर साम है। जो यह चक्षु की शुक्ल दीप्ति है वह ही ऋक है, और जो नील अर्थात अत्यंत कृष्ण वर्ण आभा है वह ही साम है। इस शुक्ल वर्ण ऋक में यह कृष्ण वर्ण आभा रूप साम स्थित है। इस कारण ही ऋक में स्थित साम का गान किया जाता है। यह चक्षु की शुक्ल आभा ही सा है, और इसकी अति कृष्ण आभा ब्रह्म है, तथा दोनों मिलकर साम है। इस चक्षु के भीतर जो पुरुष दिखता है वह ही ऋक है, वह ही साम है, वह ही उक्त है, वह ही यज है, वह ही ब्रह्म है। उस आदित्य में स्थित पुरुष का जो रूप है इस चक्षु में स्थित पुरुष का भी वही रूप है। उसके जो दो गायक हैं इसके भी दो गायक हैं। उसका जो नाम है इसका भी वही नाम है। यह चाश्रुए पुरुष ही इस लोक से नीचे के सकल लोकों का और मनुष्य की सकल कामनाओं का प्रभु है। अतः जो वीणा के साथ गान करते हैं वह इसका ही गान करते हैं और धनवान होते हैं। जो ऐसा जानकर इस साम का गान करता है वह चाक्षुष और आदित्य में स्थित दोनों पुरुषों का गान करता है। वह इस आदित्य के द्वारा तिस से ऊपर के सकल लोक और देवताओं के भोगने योग्य सकल विषयों को पाता है, और वह इस चाक्षुष पुरुष के द्वारा इस लोक के नीचे के सकल लोक और मनुष्यों के भोगने योग्य सकल विषयों को पाता है। अतः इस सब का तत्व जानने वाला उद्गाता यजमान को कहें, तुम्हारे किस स्थित विष की साम गान में प्रार्थना करूं? ऐसा उद्गाता उस गान के द्वारा इच्छित पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर उद्गाता साम का गान करते हैं। तृतीय खंड से इस समत्व प्रचंड पर्यंत का यह तात्पर्य है कि साम गान में पृथ्वी आदि लोक दृष्टि और चतुरा दृष्टि करें। चिदम्बरम व्याप प्राण शक्ति से मैं हूँ। चंद्रादि और चक्षु कर्ण आदि प्रकट हुए हैं। साम आदि गान में भी उस प्राण शक्ति को ही प्रकट किया गया है। इस कारण साम गान रूप स्तोत्र में प्राण शक्ति की क्रिया ही व्यक्त होती है। सलावत का पुत्र सिलक दल्व गोवी के चैकितायन और जीवल का पुत्र प्रवाहन यह तीनों उद्गीत के विषय में प्रवीण हुए। एक समय उन्होंने परस्पर विचार करते हुए कहा कि हम उद्गीत के विषय में प्रवीण हो गए हैं, अतः आपकी संपत्ति हो तो इस विषय की आलोचना करें। ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर वह सब बैठ गए। तब जीवल कुमार ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों पहले के हैं, मैं आप दोनों ब्रह्मज्ञानियों के अलाप को सुनूंगा। फिर सलावत के पुत्र सिलक ने दल्व गोवी चैकितायन से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। चैकितायन ऐसा कहने पर सिलक से कहा कि प्रश्न कीजिए। प्रश्न, साम की गति क्या है? उत्तर, स्वर साम की गति है। प्रश्न, स्वर की गति क्या है?
उत्तर स्वर्ग की गति प्राण है। प्रश्न 5, प्राण की गति क्या है? उत्तर, अन्न प्राण की गति है। प्रश्न, अन्न की गति क्या है? उत्तर, अन्न की गति जल है। प्रश्न, जल की गति क्या है? उत्तर, यह लोक जल की गति है। उस लोक की गति क्या है? साम स्वर्ग लोक को लांग कर नहीं ले जाता, अतः हम साम को स्वर्ग लोक प्रतिष्ठ मानते हैं, अर्थात साम मनुष्य देह को स्वर्गलोक पर्यंत ही ले जाता है, ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि साम की स्थिति स्वर्गलोक रूप में से ही की जाती है। उस समय दालम ने कहा, मैं तुमसे साम की प्रतिष्ठा जानना चाहता हूँ। सालावत्ते ने कहा कि जान लो। दालम ने प्रश्न किया कि परलोक की क्या गति है? सालावत्ते ने कहा, यह लोक। तब बूझा कि इस लोक की क्या गति है? उत्तर मिला कि प्रतिष्ठा रूप लोक को लांगना ठीक नहीं। हम साम को प्रतिष्ठा रूप लोक जानते हैं, क्योंकि साम की प्रतिष्ठा रूप से ही स्तुति की जाती है। इसके बाद जीवल तने प्रवाहन ने उनसे कहा, हे सालावत्ते, तुम्हारा साम निश्चय अंत वाला है। इस कारण इस समय यदि कोई कहे कि तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, तो तुम तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इस पर सालावत्ते ने कहा कि तो मैं यह विषय क्या आपसे जान सकता हूँ? प्रवाहन ने कहा कि जान लो। इस लोक की गति क्या है? उत्तर, आकाश। यह सकल भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं। आकाश ही सकल भूतों में श्रेष्ठ है और आकाश ही सकल भूतों का परम आश्रय है। आकाश ही सबसे श्रेष्ठ उद्गीत है, वह अनंत है। जो ऐसा जानकर इस श्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता है। वह आकाश पर्यंत सकल श्रेष्ठ लोकों को जीतते हैं। इस उद्गीत के ज्ञान से संपन्न सुखपुत्र अति गम्भा ने उदर सांडिल्य से कहा कि तुम्हारे वंश में जो जब तक उद्गीत को जानेंगे, तब तक उनका जीवन साधारण जीवन से परम उत्तम होगा और परलोक में परम उत्तम स्थान मिल पाएगा। इस समय भी जो ऐसा जानकर इस उद्गीत की उपासना करते हैं, उनको इस लोक में उत्तम जीवन और परलोक में भी परमोत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अष्टम और नवम खंड में आप भाग्य प्रकार से यह बात दिखाई गई है कि समाधि वैदिक स्रोत स्वर से उच्चारण किए जाते हैं। स्वर्ण प्राण शक्ति की क्रिया है। प्राण शक्ति अन्न के आश्रय से पुष्ट होती है। अन्न जल का ही विकार है। जल का आश्रय आकाश है। वह आकाश ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार यज्ञ में ब्रह्म दर्शन का देश किया गया है। ओलों की वर्षा से अन्न का नाश होने पर कुरुदेश में दुष्काल पड़ जाने के कारण चक्र के पुत्र उत्सस्ति ने अपने देश को छोड़कर अपराप्त योगना अपनी स्त्री आदि के साथ भ्रमण करते करते अन्न न पाने से मरणासन्न दशा में हस्तिप को हाथीवानों के ग्राम में आकर आश्रय लिया। उसस्ती ने अपनी इच्छा से सड़े हुए अन्न खाने वाले एक हाथीवान के पास जाकर वह उड़द मांगे। उसको उड़द मांगते देखकर उस हाथीवान ने कहा, मैं जो खा रहा हूँ इन उच्छिष्ट उड़दों के सिवा और उड़द मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो कुछ थे वह इस पात्र में ही है। हाथीवान की बात सुनकर उसस्ती ने कहा, इनमें से जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब हाथीवान ने उनमें से ही कुछ थोड़े उड़द दिए और कहा, लो खाकर कुछ जल भी पी लो। तब उसस्ती ने कहा कि यह जल पीने से तो मुझे उच्छिष्ट पीने का दोष लगेगा। यह सुनकर हाथीवान ने कहा कि आपने जो उड़द लिए क्या वह उच्छिष्ट नहीं थे? इस पर उसस्ती ने कहा कि इन उड़दों को नहीं खाता तो मेरे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती थी, इस कारण ही मैंने ये खा लिए। परंतु पानी तो इस समय मेरी इच्छा अनुसार अन्यत्र भी मिल सकता है, इस कारण मैं उच्छिष्ट जल नहीं पीऊंगा। ऐसा कहकर उसस्ती ने हाथीवान के झूठे उड़द खाकर जो शेष रहे वह अपनी स्त्री को अर्पण करे। इसके बाद उसस्ती ने प्रातः काल के समय सैया से उठकर कहा कि कुछ एक अन्न पाने पर उसको भोजन करके राजा के यहाँ जाऊं तो यथेष्ट धन लाऊं। यहाँ राजा यज्ञ का आरंभ करने वाला है, वह और ऋतुजों के साथ मेरा भी भरण कर लेगा। यह सुनकर उनकी स्त्री ने कहा कि आपने कल मुझे जो उड़द दिए थे यही वह रखे हैं, उनको खा लो। तब उसस्ती खाकर यज्ञ में गए। वह यज्ञ स्थल में जाकर स्तुति के स्थान में स्तुति करने वाले अन्नदाताओं के समीप में बैठे। तदनंतर
प्रस्तोता से कहा, हे प्रस्तोता, जो देवता स्तुति भाग के अनुगत रहता है उसको बिन जाने उद्गान करेगा तो मेरा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उद्गाता से कहा कि हे उद्गात, जो देवता उद्गीत भाग के अनुगत है यदि तुम उसको बिना जाने उद्गान करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। ऐसे ही प्रतिहर्ता से भी कहा कि हे प्रतिहर्त, जो देवता प्रतिहार के अनुगत है यदि तुम उसको बिना जाने प्रतिहार करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। यह सुनकर श्रोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता अपने अपने कर्म को छोड़कर मस्तक गिरने के भय से मौन होकर बैठे रहे। इसके बाद यजमान राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। इस पर उसस्ती ने कहा, मैं चक्र का पुत्र उसस्ती हूँ। राजा ने कहा, मैंने इन याज्ञिकों के साथ आपका भी अन्वेषण किया था, परंतु आपके ना मिलने से अंत में उनका ही वरण कर लिया है। अब यदि भाग्यवश आप आ ही गए हैं तो इनके साथ आप भी मेरे यज्ञ में ऋत्विक कर्म कीजिए। उसस्ती ने कहा कि बहुत अच्छा, परंतु आप इन सबको जितना धन दें उतना ही मुझे देना। मैं आज्ञा देता हूँ कि आपके पहले से वर्ण किए हुए यह ऋत्विक ही स्तुति आदि कर्म करें। राजा ने कहा, आप जैसी आज्ञा करें वही होगा। तदनंतर उद्गाता ने विनीत भाव से उसस्ती के पास आकर कहा, हे भगवान, आपने जो मुझसे कहा था, जो देवता प्रस्ताव भाग के अनुगत हैं, तुम यदि उनको ना जानकर स्तब्ध करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। वह देवता कौन सा है, मैं आपसे उसको जानना चाहता हूँ। उसस्ती ने कहा कि प्राण ही देवता है। यह सकल भूत प्रलय काल में प्राण में ही प्रवेश करते हैं और सृष्टि काल में प्राण में से ही प्रकट होते हैं। इस कारण वह प्राण की प्रस्ताव भाग का अनुगत देखते हैं। इस देवता को बिना जाने यदि तू स्तुति करता है तो मेरे कथनानुसार तेरा मस्तक गिर जाएगा। इसके पश्चात उद्गाता ने विनीत भाषा से उसस्ती के समीप जाकर कहा कि हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि जो देवता उद्गीत का अनुगामी है, तुम यदि उसको बिना जाने उद्गान करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। सो वह देवता कौन सा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। उसस्ती ने कहा, क्या आदित्य ही वह देवता है, क्योंकि यह सब प्राणों आदित्य के उदय होने पर ऊंचे स्वर से गान करते हैं। इस कारण आदित्य देवता ही उद्गीत का अनुगामी है। उस देवता को बिना जाने यदि तुम उद्गीत आदि कर्म करोगे तो मेरे कहे के अनुसार तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इसके पश्चात प्रतिहर्ता ने विनीत भाव से उसस्ती के समीप जाकर कहा कि हे भगवान, आपने कहा था कि जो देवता प्रतिहार का अनुगामी है उसको बिना जाने प्रतिहार कर्म करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। सो वह देवता कौन है, मैं आपसे उसको जानना चाहता हूँ। उसस्ती ने कहा, वह देवता अन्न ही है, क्योंकि यह सकल प्राणी को अन्न को ग्रहण करके ही जीवन धारण करते हैं। अतएव इस देवता को बिना जाने यदि तुम प्रतिहार करते रहोगे तो मेरे कथन के अनुसार अवश्य ही तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इस दशम और एकादश खंड का भाव यह है कि प्राण शक्ति ने ही पहले सूर्य चंद्र विशिष्ट होकर सौर जगत को उत्पन्न किया और प्राण शक्ति अन्न के आश्रय से सर्वत्र क्रिया करती है। यह प्राण शक्ति ही देह में वाक्य आदि इंद्रियों की शक्ति रूप हुआ करती है। यज्ञ के मंत्र आदि वाक्यों के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं, अतः प्राण शक्ति ही यज्ञ का उपास्य भी है। पहले खंड में अन्न प्राप्ति की अपेक्षा दिखाई, अब स्व नामक ऋषि से दृष्ट उद्गीत की प्रस्तावना की जाती है। इस विषय में एक आख्यायिका है कि मित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए दुल्ब के पुत्र, जिनको ग्लाव भी कहते थे, वह ऋषि वेद का पारायण करने के लिए प्रतिदिन ग्राम से बाहर जाया करते थे। एक समय स्वाध्याय से प्रसन्न हुए उद्गीत देवता वक ऋषि के ऊपर अनुग्रह करके निमित्त श्वेत कुकुरा रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। उस समय कितने ही श्वान श्वेत श्वान के समीप आकर कहने लगे कि हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं, इस कारण आप भगवान के द्वारा हमको अन्न प्राप्त कराओ। उनकी इस बात को सुनकर श्वेत श्वान ने कहा कि तुम कल प्रातःकाल यहीं मेरे पास आना। वक यह सुन चित में कुतूहल मान घर न जाकर वहीं बैठा रहा। प्रातःकाल होने पर
वह पहले के समान प्रकट होकर अर्धवायु से यजमान पर्यंत यज्ञ करता जैसे ही भविष्यमान नामक स्तोत्र का उच्चारण करते करते परस्पर मिले हुए घूमते हैं, तैसे ही मुख से परस्पर की पूंछ पकड़कर घूमने लगे, फिर बैठकर पंचम कांडी का रूप हिंकार का उच्च स्वर से गान करने लगे। वह गान यह है कि हम भोजन करेंगे, हम पान करेंगे, प्रजापति वरुण और सविता यह हमें अन्न दें। अब साम गान करके स्तोभ नामक अक्षरों की उपासना करते हैं कि इन अक्षरों का अर्थ ना होने पर भी गान का फल प्राप्त होगा। यह लोक ही हा के आगे उच्चारण किया हुआ उकार है, अतः उस प्रकार पृथ्वी की दृष्टि से उपासना करें। जो पुरुष साम के अव्यभूत स्तोमाक्षर विषयक दर्शन को जानता है, उस साधक के लिए वाकवाणी कहती है कि वह पुरुष अन्नशाली और अन्नभोक्ता होता है।